शाहरुख की फिल्म डंकी और प्रभास की सलार दोनों एक ही दिन रिलीज होने वाली है 22 दिसंबर को। लेकिन सवाल ये बनता है कि इन दोनों फिल्मों की टकराव से किसे सबसे ज्यादा लॉस होगा, चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, इस टकराव से शाहरुख की फिल्म को ना के बराबर लॉस होगा, क्योंकि वैसे भी कोई बॉलीवुड फिल्में साउथ में ज्यादा पैसे नहीं कमाती है। अगर हम शाहरुख की फिल्म जवान को ही देखें तो जवान की तमिल और तेलुगु वर्जन ने अब तक सिर्फ 58 करोड़ की कमाई की है। वहीं अगर हम साउथ फिल्में की बात करें तो साउथ फिल्में हिंदी बेल्ट में काफी अच्छा परफॉर्म करती है, जैसे कि प्रभास की फिल्म बाहुबली 2 की सिर्फ हिंदी वर्जन ने 510 करोड़ की कमाई की थी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सलार साउथ में काफी पैसा छापेगी, लेकिन हिंदी ऑडियंस पर कब्जा शाहरुख की फिल्म का ही रहेगा। खैर, आप कौन सी फिल्म को लेकर एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।